okay now i would like to just talk about the home environment how home environment affect the personality uh, shape of the child and uh, home environment is very very much important for uh, uh, shaping the behavior of the child and uh, why we are saying that home environment is very important because home environment you know uh, is the first uh, school of the child सो होम इन्वायरमेंट में आपके पेरेंट्स होते हैं और बच्चे के बहन भाई जिसको हम सिबलिंग्स कहते हैं अब यकीन कीजिए ये बड़ी इम्पॉटेंट बात आज हम शेयर भी कर रहे हैं कि बच्चे का जो नंबर है वो बड़ा इम्पॉटेंट है और बच्चा जो एक अकलौता बच्चा पालना और बच्चे जो अपने बहन भाइयों के साथ पलते हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में बड़ा फ़र्क है तो होम एनवायरनमेंट में जब बच्चे का अलोन जो है वो एक पल रहा है अपने पेरेंट्स के साथ तो बच्चे की सोशलाइजेशन बच्चे की मेंटल कंडीशन बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट ये सारी की सारी मुख्तलिफ हो जाती हैं एक अकलौता बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी जो ट्रेट्स हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं एक डिफरेंट इन्वायरमेंट की मदद से अब जो पेरेंट्स जो हैं अपने इस बच्चे को अकलौते बच्चे को पूरा जो होम इन्वायरमेंट है उसमें पूरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उन्हें उसका बहन भाई भी बनना पड़ता है और साथ ही साथ जो है उसको पेरेंट्स के तौर पर भी, भी रखना पड़ता है और दोस्त भी बनना पड़ता है क्योंकि अब वो पहले एक ज़माना था जब बच्चे हमारे स्ट्रीट्स में जाते थे अपने नेबर्स को विज़िट करते थे अपने रिलेटिव्स को विज़िट करते थे कज़ंस के साथ मिल बड़े हो जाते थे तो उकलौतापन जो है वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता था लेकिन अब जब ये वाला होम इन्वायरमेंट एक बच्चे को मिल रहा है जिसमें आइसोलेशन है जिसमें लोनलीनेस है ये सारी चीज़ें मिलके उसकी पर्सनैलिटी अप करती हैं और फिर नेक्स्ट जो है अगर पेरेंट्स ने उसको इंट्रैक्ट नहीं करवाया दोस्तों के साथ नेबर्स के साथ कजन्स के साथ लोगों के साथ नहीं मिलवाया तो फिर वो आइसोलेशन में बच्चे चले जाते हैं और यही मॉडल वो अपनी सारी जिंदगी के लिए अडॉप्ट कर लेते हैं कि उनकी जो सोशल ग्रोथ है वो चूँकि इस किस्म की हुई हुई होती है और बाद में भी वो लोगों से मिलना जो है वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं एक्स्ट्रोवर्ट वो होते हैं जो कि लोगों से मिल चलते हैं सोशलाइजेशन करते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं जो अपनी ही दुनिया में गुम हो जाते हैं और वो होते तो बड़े क्रिएटिव भी हैं बड़े साइंटिस्ट भी इस तरह के गुजरे हैं जो इंट्रोवर्ड थे लेकिन इनकी सोशलाइजेशन की जो स्किल होती है वो डेवलप नहीं हो पाती अच्छा अब वो वाले बच्चे जिनके बहन भाई होते हैं तो वो चूँकि बचपन से लड़ाई झगड़ा शेयरिंग और उसके साथ जो है सैर सपाटा ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने बहन भयियों के साथ इंजॉय की होती हैं अब जब बच्चे टीम वर्क में काम करते हैं तो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट का लेवल ही डिफरेंट हो जाता है क्योंकि वो एक दूसरे को चीज़ें शेयर करनी और शेयर ना करने पर एक दूसरे के साथ लड़ाई और उसके बाद जो है फिर सुलह हो जाती है फिर दोबारा से वो एक हो जाते हैं ये नॉर्मल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है तो होम एनवायरनमेंट जिसमें अब एक्टिव और पैसिव एनवायरनमेंट की हम बात कर लेते हैं अब जिसमें पेरेंट्स जो हैं फिर वो वही वाली हम एक पेरेंटिंग स्टाइल जो हमें उसमें इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है अब पेरेंटिंग स्टाइल में जो है पेरेंट्स बाजू का जो है पूरा एक फ्रेमवर्क अपने बच्चे को दे देते हैं कि जी ये हमारे रूल्स हैं ये हमारी नॉर्म्स हैं एंड यू हैव टू फॉलो ऑल दिस रूल्स एंड नॉर्म्स विदाउट टेकिंग देयर ओपिनियन एक होता है कि वो पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं देखें ये अच्छी चीज़ है ये बुरी चीज़ है अब आपने देखना ये है कि आप अच्छे बनना चाहते हैं या बुरे बनना चाहते हैं तो हम आप पे छोड़ते हैं एक चीज़ ये एक मॉडल आ जाता है एक होता है कि हम बच्चे को जो है अपर्चुनिटी देते हैं कि वो खुद एक्सपेरिमेंट करे और नुकसान उठाए और फिर वापस आके पेरेंट्स के साथ डिस्कस करे तो ये सारी चीज़ें जो है ना पेरेंटिंग में आ जाती हैं और फिर उसके बाद अगली जो बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि हाउ पेरेंट्स दे इंटरेक्ट विद देयर चिल्ड्रन एंड हाउ दे शेयर विद देयर चिल्ड्रन डेली रूटीन देर आर प्रॉब्लम्स एंड हाउ दे आर गेटिंग द सजेशन फ्राम द चिल्ड्रन एंड हाउ दे आर गिविंग द सजेशन टू द चिल्ड्रन सो दिज आल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंट चाइल्ड you know he or she thinks that the parents are their ideal so and um, when you want to be the ideal of your children then you have to you know uh, control your emotions then you have to control many things to just provide yourself as perfect model for your children अब उसमें आप देखिए मैंने देखा है कि बच्चों की डेवलपमेंट में पेरेंट्स को किस तरह से मॉडल करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं बच्चे सबसे पहले झूठ अपने घर से सीखते हैं जब फ़ादर उनको कह दे कि घर पर और कह दे कि जी मैं घर पर नहीं हूँ और अगर फ़ोन को आया तो कह दें जी मैं घर पर नहीं हूँ बच्चे सीखते हैं मैनुपलेशन सीखते हैं कि इसका नेक्स्ट जब आप भी बच्चे से कोई चीज़ पूछेंगे तो वो भी मेनुपुलेट करके आपको बताएगा कि वो चीज़ जो है वो उसमें है उसके पास नहीं है झूठ बोलेगा तो इसलिए पेरेंट्स को अपना आइडियल मॉडल पेश करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करके अपने बच्चों को पेश करना पड़ेगा तो होम इन्वायॉयरमेंट जो है इसमें पेरेंट्स का जो आपस का रिलेशनशिप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चे देखते हैं यकीन करें ये जो देखना ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन है इसके बाद बच्चे जब बड़े होते हैं उनकी शादियाँ होती हैं तो उन्होंने अपने फादर का अगर अच्छा मॉडल देखा है तो उसको अडॉप्ट करते हैं अगर अपनी मदर का अच्छा मॉडल देखा है उसको अडॉप्ट करते हैं और जो पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट के साथ बच्चे बड़े होते हैं उनकी पर्सनैलिटी में बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं There. फिर पेरेंटिंग स्टाइल मैंने डिस्कस किया है अभी आपके सामने कि अब आपने देखना है कि आपने इन सबको मिला के एक पेरेंटिंग स्टाइल बनाना है कि एक अथॉरिटेटिव भी है अथॉरिटेरियन भी है एक डेमोक्रेटिक भी है सबको मिला के कभी जब कहाँ ज़रूरत हुई तो आप अथॉरिटेटिव बन जाएँ कभी जब कहीं ज़रूरत हुई तो डेमोक्रेटिक बन जाएँ तो ये एक बेहतरीन मॉडल होता है हर वक्त अथॉरिटेटिव भी अच्छा नहीं हर तरफ हर वक्त डेमोक्रेटिक भी अच्छा नहीं बच्चे ही मेचोर हैं तो इसलिए उनकी मेचोरिटी तक जो है आपको हर लिहाज से जो है मुख्तु मॉडल्स को प्रैक्टिस करना चाहिए चाहिए फिर उसके बाद सिबलिंग्स जो हैं अब बच्चों को आपने देखना है कि वो बहन भाइयों के साथ जो बड़ा भाई या बहन है उसकी रिस्पेक्ट छोटे बच्चे को आप सिखाएंगे तो तब वो बाहर सोसाइटी में भी जाके अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे मैं तो समझती हूँ जो आपके घर की मेड्स होती हैं बच्चों को सिखाना चाहिए कि आपके साथ उनको बुलाएं जो भी बाहर से बड़ा आता है आप जब आप मेड को तुम कह के आप बुलाएँगे और बच्चे को भी आप ये देंगे इनिशिएटिव उसको लेने के लिए कहेंगे कि वो भी इसी तरह से देखे तो बच्चे आपको मॉडल कर रहे होते हैं इसलिए आपको एक अच्छा मॉडल बच्चे के सामने पेश करना है इन तमाम चीज़ों को जो है बच्चे के सामने इस तरह से फ्रेमवर्क देना है कि ताकि बच्चे हर एक चीज़ के लिए जो है वो आपकी तरफ़ देखें और आपको मॉडल करें सारी ज़िंदगी के लिए